कर्मचारी संगठनों से बातचीत के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन देगी सरकार। पीएम ने ट्वीट कर कहा, फैसला सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को देंगे प्रमाण पत्र। शाम को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में होंगे शामिल। 11 बजे मन की बात में देशवासियों के साथ करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रायपुर में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बोले, मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण पर भी जोर। पेंशन स्कीम को जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के घोषणा पत्र पर बवाल। घोषणा पत्र में एलओसी के आर पार व्यापार शुरू करने और जमाते इस्लामी से बैन हटाने का वादा। बीजेपी का पलटवार। रविंद्र रैना बोले, पीडीपी का मैनिफेस्टो खून खराबा करने वाला। पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने वाला मैनिफेस्टो है। मिस इंडिया को लेकर प्रयागराज में राहुल गांधी का बयान। का एक भी दलित ओबीसी आदिवासी मिस इंडिया की लिस्ट में नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। शनिवार को मामले में से जुड़े 6 लोगों का हुआ टेस्ट। सीबीआई ने संजय रॉय की मोटरसाइकिल जब्त की। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का मामला किया दर्ज। एसआईटी से केस को टेक ओवर करके री रजिस्टर्ड कर शुरू की जांच। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बयान। स्पेस एक्स के शिप क्रू 9 से धरती पर लौटेंगे बुच और सुनीता विलियम्स। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से वापसी होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। पुलिस टीम पर आतंकियों ने किया था हमला। हमले में सेना का एक जवान घायल। पतंजलि गोनाइल पवित्र